किंतु तुमने अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद है हुआ है मुझे बड़ा खेद हुआ है उन बातों का जो गीता मैंने तुझे सुनाई थी, उन बातों का अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडव नंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दुरा देना कठिन है। अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण जी ने गीता नहीं बोला, श्री कृष्ण का शरीर था, बोल रहा था काल, जैसे टेप में कैसेट, कैसेट दूसरी चटगी तो दूसरी बोलेगी गानों की, और भक्ति की चटगी तो भक्ति की बोलेगी। तो ये तो एक खोखा कवर है, इसमें जो भी आकर के प्रवेश करके बोल रहा है वो अपना ज्ञान दे रहा है, उसी की भाषा उसमें चल रही होती है। अब यहाँ ये बात सोचने की है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे तो अब जो का तू याद नहीं, और तूने याद क्यों नहीं रखा, तो ये बात कोई जची नहीं। अब फिर वेद व्यास जी ने वो गीता जो की तू लिख दी जो उनका संवाद हुआ था, और श्री कृष्ण को याद नहीं। समझदार को संकेत बहुत होता है, बार बार कहना अच्छा सा भी नहीं लगता है, क्योंकि ये काल ने फिर इस वेदव्यास जी महर्षि वेदव्यास जी के शरीर में प्रवेश करके वो वेदों को गीता जी का की रचना करवा दी जो आज हमारे सामने। अब इसमें क्या है कि जहां तक ज्ञान का तात्पर्य वो तो 100% करेक्ट है, 100% सही है, और जहां पर युद्ध कराने की अटकल इस काल ने लाई वो गलत है, वो सारी गलत लगाई। कैसे? जैसे श्री कृष्ण काल ने, ब्रह्म ने, गीता बोलने वाले भगवान ने कहा कि अर्जुन तो युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, और तेरे दोनों हाथों में लड्डू, तो क्यों नहीं युद्ध कर रहा है, यदि युद्ध में मारा गया तो तू स्वर्ग में स्वर्ग प्राप्ति होगी, और युद्ध में जीत गया तो इंद्रप्रस्थ का राज भोगेगा, बता तुझे कौन सी आनी। ये देखिए देखिए पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 37 और 38। यही पवित्र गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर नीचे देखिए 37। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा, इसलिए हे अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा हो जा, निश्चय करके खड़ा हो जा। 38 में देखो नीचे के जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा, इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा, अर्थात तुझे पाप नहीं लगेगा। अब देखना ये अटकल काल ने गलत लगा दी केवल विनाश कराने के लिए। अब क्या होता है कि पांडव विजयी होते हैं, कौरों का विनाश हुआ, राजगद्दी पर युधिष्ठिर को स्थापित करके भगवान चले गए द्वारका में, पीछे से कुछ समय पर्यंत कुछ समय के बाद युधिष्ठिर जी को बहुत भयंकर डरावने स्वप्न आने प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसे स्वप्न आते हैं जैसे कोई घर हमारे घर में सिर कटे हुए व्यक्तियों का धड़ धड़ आ रहा है चल के, और हाहाकार मच रही है हमारे घर में, जैसे लाश पड़ी है, सब पड़े हैं, और मानो करोड़ों बहन अपनी चूड़ियां पड़ी हैं, अपनी मांग को उजाड़ रही हैं, और कह रहे हैं कि राक्षस राजा तूने हमारे पतियों का खून पी के क्या मिल गया, जैसे अनाथ बच्चे अपने माता पिता के अपनी माँ के सीने पर लिपट लिपट कर पूछ रहे हैं, माँ मेरा पिता कब आएगा, मिलिट्री से कब आएगा, और माँ उसको कह रही है बेटा अभी छुट्टी नहीं मिली है, जो विनाश को प्राप्त हो चुके, वीर गति को प्राप्त हो चुके थे योद्धागण, उनके बच्चों उनके घर में ऐसा संताप हो रहा है।
इन विचारों को करके रात को बैठ जाता युधिष्ठिर, नींद निद्रा आनी बंद हो जाती है। तीन चार दिन जब ऐसे बीत गए, ना खा रहा है, ना सो रहा है, ना ढंग से पी रहा है, तो द्रौपदी ने प्रार्थना की कि आपको क्या चिंता है, आप क्यों नहीं अपने भाइयों को बता देते, आप ना खा रहे हो, ना पी रहे हो, ना ढंग से सो रहे हो, ऐसे रहोगे तो आप कुछ दिन के मेहमान हो, आपका प्राण चले जाएंगे। एक दिन द्रौपदी ने चारों पांडवों से कहा कि आपके भैया पर कोई आपत्ति है, उसे पूछो कोई कोई राजकाज में दिक्कत है या किस कारण से, लेकिन वो मुझे नहीं बता पा रहे हैं, और अगर ऐसे ही चलते रहे तो कुछ दिन के चंद दिनों के मेहमान है, उनकी मृत्यु हो जाएगी। चारों पांडव यानी अपने छोटे भाइयों की प्रार्थना पर काफी विनय करने से युधिष्ठिर ने बता भी, क्या बताऊं, मुझे ऐसे ऐसे भयंकर स्वप्न आ रहे हैं और ये बुरा हाल होता दिखाई देता है, हाहाकार मची दिखाई देती है और घर में जैसे हमारे सब घुस रहे हों, जिनके सिर कटे हुए हों, और जिसको देखकर मेरा कलेजा धड़कने लग जाता है, मुझे नींद नहीं आती, ना भूख लग रही है। अब क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके गुरुदेव थे, जब दुख होता है आत्मा को तो अपने गुरुदेव के पास ही जाकर उसका समाधान पूछते हैं, तो चारों पांडव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के पास चलते हैं, गुरुदेव के पास, उनसे इसका कारण तथा समाधान पूछेंगे। यही सलाह करके और लेकर रथ पहुंच के द्वारका, कुशल मंगल होने के बाद अर्जुन आदि ने कहा कि भगवान भैया को ऐसे ऐसे भयंकर स्वप्न आ रहे हैं, इसका कारण तथा समाधान बताओ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो युद्ध में बंदूकघात किया, जो पाप किए व दुनिया मार डाली, वो पाप तुम्हें दुखदायी हो रहे हैं। अब इस बात को सुनकर अर्जुन को धक्का लगा कि प्रभु स्वयं तो कह रहे थे, जब गीता जी का ज्ञान दे रहे थे कि अर्जुन तो युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, और अपने मुख से आज कह रहे तुम्हें ये पाप लगे दो कि तुमने युद्ध में हत्याएं की थी। अब अर्जुन सहम गया इस बात को सुनकर, असमंजस में पड़ गया, ये आज भगवान क्या बोल रहे हैं। फिर चुप रहा, कहने लगा भगवान समाधान क्या हो इसका। इसका समाधान है कि एक अश्वमेघ यज्ञ करो और उसमें सभी पृथ्वी के सभी भक्त आत्माओं को और देवलोक के देवताओं को भी आमंत्रित करो, और उसमें एक सुसज्जित शंख पंचायन, पंचानन माने चार मुख, पांच मुख का पंचानन शंख, एक सुसज्जित स्टेज अलग बना देना, उस पर रख देना आदर के साथ, और जब उस यज्ञ में सभी भोजन पालेंगे महापुरुष संतजन ऋषिजन, तो वो शंख अपने आप बजेगा, उसमें आप धुन होगी, और यदि वो शंख बज गया तो समझो तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण हुआ, तो तुम्हारे कष्ट टलेंगे, और शंख नहीं बजा तो समझो तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ, जिससे तुम्हारे कष्ट ज्यों के त्यों बने रहेंगे। अब श्री कृष्ण सब ने कहा ठीक है भगवान, जैसे आपका आदेश सिरोधार्य है, हमारा भाई ठीक होना चाहिए, लेकिन हृदय में ये बात जख्म और कर गई अर्जुन के, अगर अब टोकूंगा भगवान को, अब पूछूंगा भगवान को कि ये आप वो क्या कह रहे थे गीता में, अब क्या बोल रहे हो यहाँ पे, तो ये सोचा कि मेरा भाई युधिष्ठिर महसूस करेगा, क्योंकि जिसमें करोड़ों रुपया लगना हो जिस यज्ञ में, यानी उस कष्ट निवारण के लिए ट्रीटमेंट में, तो अर्जुन ने सोचा कि भैया ये सोचेगा कि ये राज्य ये प्रसन्न नहीं है मेरे ये संकट के टलने में, और पैसा लगता दिखाई दे रहा है इनको, इसलिए ये बीच में टोकने लग गए, तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे यज्ञ से मर बेसक जावे, ये इतनी पुण्य आत्मा है। इस बात को मध्य नजर रखते हुए श्री कृष्ण अर्जुन ने श्री कृष्ण जी की बात सुनकर अपने सीने पर मुक्का मार कर चुप हो गए। अब जो कहोगे भगवान वही करेंगे। सारी व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने समय स्थान और दिन तिथि निहित कर दी, निश्चित तिथि पर कहते हैं 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ विपर ब्राह्मण, जिनको ब्राह्मण कह सकते हैं, जिनके चारों वेद कंठस्थ याद थे वो 12 करोड़, और 9 नाथ, 84 सिद्ध, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं आकर गुप्त रूप में उस यज्ञ में भोजन पा लिया, पर शंख नहीं बजा, और श्री कृष्ण जी ने भी भोजन पा लिया और शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर आंखों में पानी भर कर श्री कृष्ण के पास आते हैं कि हे भगवान हमने जुल्म कर रखे हैं, आज वो सीन मेरे सामने से हट नहीं रहे जो हमने मासूम उन बच्चों को अनाथ कर दिया,